देख ली फ्लैश, कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो आज अपन बात करेंगे फ्लैश के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, एंडिंग के बारे में नहीं, सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में कि क्या था, अपने क्या देखा। तो देखो, पहली बात तो ऐसा बोला जा रहा है कि इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें अपने देखा एक्वामैन और अपने बैरी को, वो नहीं होने वाले थे। होने वाला था यहाँ पे अपना सुपरमैन, बट फिर जब अपना हेनरी कैवल को कैंसिल कर दिया गया तब ये दोबारा रीशूट हुआ पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए, और फिर ये एक्वामैन और अपना बैरी एलन को घुसेड़ दिया। ओके, आपको पता है ये जो एंडी मुस्चेती हैं द फ्लैश फिल्म के डायरेक्टर, उनको बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड भी फिल्म मिल गई, अब वो ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। तो देखो, द फ्लैश फिल्म में सिर्फ एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन है। वैसे ऐसा चला रहा है कि सुपर हीरो मूवीज़ में दो पोस्ट क्रेडिट सीन देखने मिलते हैं, मतलब एक तो पोस्ट क्रेडिट सीन रहता है और एक मिड क्रेडिट सीन रहता है, पर इस मूवी में सिर्फ एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन है। देखो, पोस्ट क्रेडिट सीन में अपन को देखा बैरी एलन और एक्वामैन दोनों बार से बाहर आते हैं, और जो एक्वामैन है वो पूरी तरीके से टल्ले रहता है, पर जो अपना बैरी एलन है वो बिल्कुल भी ड्रंक नहीं रहता, क्योंकि भाई वो फ्लैश है और उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है। फिर ये दोनों लोग आपस में बात करते हैं, बैरी बताते हैं कि उसने कैसे अल्टरनेट टाइमलाइन में ट्रैवल किया और उसे इतने सारे बैटमैन देखे। तो एक्वामैन पूछता है कि क्या उसका भी कोई वर्जन देखा, तो वो बताता है कि हाँ, हर जगह वो सेम फरी फ्रेंडली था गाय। तो ये जो फरी फ्रेंडली उसने बोला ना, ये रेफरेंस था जो अपन को अल्टरनेट टाइमलाइन में आर्थर कैरी का, मतलब जो वो डॉग दिखाना दिखाएगा कि वो आर्थर है, तो वहाँ से वो रेफरेंस लिया गया, तभी उसने बोला फरी फ्रेंडली गाय। और फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा घिनापन मस्ता है, जो अपना एक्वामैन है वो पानी के गड्ढे में गिर जाता है और उसी में सांस लेने लगता है। तो जो अपना बैरी एलन है वो बोलता है कि सामने उसका घर है, चलो वहाँ चल के सो जाओ। वो बोलता है नहीं, आज ही मेरा काउच यही है। और फिर आर्थर उसे अपनी रिंग निकाल के देता है, बोलता है लो जाके इसे बेचाओ मेरे लिए, पर दारू लाओ। और फिर वो रिंग ले जाता है बैरी एलन और बोलता है ही इज़ फाइन। और फिर यहीं पर पोस्ट क्रेडिट सीन बंद हो जाता है। इस पोस्ट क्रेडिट सीन से एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो अपन को आर्थर दिखा वही अपना पुराना वाला, वही एक्वामैन है, क्योंकि उसके पास एटलांटियन वो रिंग थी और वो पानी में भी सांस ले रहा था। तो इससे ये तो साबित हो गया कि वही आर्थर कैरी अपना एक्वामैन है पुराना वाला। और ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि इस पोस्ट क्रेडिट सीन को क्यों डाला गया, ताकि एक्वामैन 2 जो कि इस साल 20 दिसंबर को आ रहे, उसकी थोड़ी हाइप बने। तो ये था आज के वीडियो में, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, मन में कुछ हो तो कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, आप हमारी बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो पावर अप करिए हीरोइक जर्नी हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।